पर मैं मोदी जी और योगी जी से जरूर मिलना चाहती हूँ। जरूर आपका ये सपना पूरा होगा। 15 तारीख को योगी जी आ रहे हैं। मार्क्स कितने कमाते हैं, क्या आपके मार्क्स प्रभावित होते हैं शास्त्रीय संगीत के कारण? और आज भी ये मतलब माइक देख करके कंट्रोल नहीं कर पाती है। 11 साल की उम्र में इतना अच्छा प्रतिभा आपने दिया तो और आज हमारे साथ 11 साल की एक बेटी है जिसका नाम अधिश्री है, अधिश्री वशिष्ठ। 11 साल की उम्र में शास्त्रीय के गायन की तरफ ये रुख कैसे किया आपने? मुझे गाने का बचपन से बहुत शौक था और मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। मैंने बहुत सारे मतलब बहुत नहीं मैंने मैं सारे गा मपा में भी गई हूँ और मैं सारे गा मपा में भी है? जी, और मैं टीवी पर भी आ चुकी हूँ, तो इसीलिए मेरा जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की ओर था। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। मम्मी पापा आप क्या आए हुए हैं? मम्मा आई हुई है, पापा नहीं है। अच्छा, अच्छा, पापा मतलब घर पे हैं। तो मम्मी कितना मोटिवेट करती हैं? मम्मी यही है क्या? हाँ। अच्छा, जी मम्मी कितना मोटिवेट करती हैं? मम्मा ही मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। इवन मेरे जो घर वाले हैं वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पर हूँ तो मम्मा के कारण हूँ, बिकॉज वही मुझे हमेशा पुश करती हैं कि तुम आगे जाओ। अच्छा आदिश्री जी, थोड़ा सा टफ नेम है आपका, तो ये बताइए कि मार्क्स कितने कमाते हैं, क्या आपके मार्क्स प्रभावित होते हैं शास्त्रीय संगीत के कारण? जी, बहुत प्रभावित होते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो तो सिंगिंग में या और भी चीज़ों में अच्छे हो। मतलब बहुत होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ों में भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, तो हाँ इससे मेरे मार्क्स पे इफेक्ट आते हैं। कितने शो आपने किए हैं बनारस के अलावा? बनारस के अलावा मैंने दो से तीन शो करे हैं, 2 देहरादून में और 1 गोरखपुर में। अच्छा। और 1 लखनऊ में भी किए हैं, 4 शोज़। कहाँ आपको श्रोता अच्छे लगे, कौन सा आपका कोई यादगार मोमेंट बताइए? मेरा यादगार मोमेंट है मेरा पहला टीवी वाला जो शो था, इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2, तो आई थिंक वही है मेरा यादगार मोमेंट। शास्त्रीय संगीत में आपका कोई आदर्श होगा? जी मेरी, किसकी वजह से आप आए, किसके कौन आपको मतलब अच्छा लगा जिसकी वजह से आप इसमें आए? शास्त्रीय संगीत में तो जो मैं जिनसे प्रभावित हुई हूँ हमेशा से, वो तो लता मंगेशकर जी ही हैं, और भी मैं कौशिकी चक्रवर्ती मैम को सुनती हूँ और उन्हीं से मैं आजकल मतलब एक होता है ना, उनसे मैं इंस्पायर होकर गा रही हूँ, और जो मेरे सर भी हैं वो मुझे सिखा रहे हैं, तो मैं उन्हीं के कारण अभी कर रही हूँ। सोशल मीडिया के इस युग में जहाँ लड़कियाँ क्या से क्या कर रही हैं, और ये देखिए एक आदिश्री एक अच्छा एक उदाहरण है जो हमारी संस्कृति को कल्चर को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे साथ इनके सर भी मौजूद हैं जो कि गुरु जी हैं। गुरु जी कहाँ से हैं आप? मैं मूलतः जौनपुर जनपद का हूँ, बट यहाँ पे कार्यरत हूँ सेठ आनंद राम जयप्रिया स्कूल तन्ना वाराणसी में। अच्छा, तो 11 साल की उम्र में इतना अच्छा प्रतिभा आपने दिया तो मतलब कैसे तैयार किया आपने? बचपन में मेरा जब मैं यहाँ पे आया बनारस में तो बच्ची मुझे जब मिली तो मैंने देखा कि इसके अंदर लय और सुर और गाने को कैसे ऑब्जर्व करके हूबहू तुरंत तैयार कर लेना और गा लेना। एक छोटी सी बच्ची, अभी तो ये 11 साल ही, 4 साल पहले में मुझे बच्ची मिली थी, लेकिन उसके बाद से जब मैं इसको ट्रेनिंग देना शुरू किया तो आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं टप से टप बंदी से जो देता हूँ, और जो लाइट सॉन्ग होते हैं, भजन होते हैं, बनारस की छोटी छोटी जो सेमी क्लासिकल है जिसको दादरा कजरी उजरी बोलते हैं, तो ये बच्चे बहुत अच्छा गा लेती हैं और शास्त्रीय संगीत प्रति इसका पूरा बहुत रुझान है। अच्छा। इनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। शुरू में आपने सुना होगा शास्त्रीय संगीत की तरफ इनका रुझान 4 साल पहले, जैसा कि सर ने बताया, तो आपने इन्हें आप किस तरह से इन्हें तैयार करती हैं? ये सर जब 3 साल की थी तब ये मनोज तिवारी जी के साथ गाना गाई थी, ये इसका मतलब 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में ये गाना गाई, और ये जब बचपन से ही माइक को देखती थी तो एकदम रोने लगती थी कि मुझे माइक चाहिए इसको, तो हम लोग को जिज्ञासा। और बचपन में जब ये 3 साल की थी तो इसको पूरा हनुमान चालीसा, सारे श्लोक, आप कोई मंत्र पूछ लीजिए, सब इसको तैयार है। बचपन से ही इसके अंदर ये ललक थी, तो हम लोग सोचे कि इसको मतलब म्यूजिक में डालना चाहिए, और आज भी ये मतलब माइक देख करके कंट्रोल नहीं कर पाती है, इस लगता है कि ये गाना गाए तुरंत किसी के साथ भी, और इसको अच्छा लगता है सर, तो हम लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि इस भाई आगे चलकर। आप भी वाराणसी से ही हैं? हम भी बनारस से ही हैं। जी सर, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं, वाराणसी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। रिपब्लिक हिंदुस्तान से जितेंद्र यादव, धन्यवाद। आदिश्री के साथ हमारे साथ एक और सर हैं जो तबला वादक हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से ही है जी। तबला वादन करते हैं जी।
तो कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 5 साल से ही अपने पिताजी से ही सीख रहे थे। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। कल कुछ लोग कह रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च हुए काशी गंगा महोत्सव पे, लेकिन दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पा रहे हैं, श्रोताओं का ध्यान नहीं खींच पा रहे हैं। हाँ सर, ये तो है कि बड़े पत्रकार ने कल ये लिखा था। जी जी, तो उनको कम से कम ये सब कुछ देखना चाहिए, उनको करना चाहिए ये सब। पत्रकार के जो देख रहे हैं, जो पत्रकार लोग जो कर रहे हैं, एक तरफ से अच्छे ही मतलब कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ करना चाहिए वो उन लोग को मतलब पत्रकार लोग को कायदे से मिल नहीं पा रहा है। कहाँ कहाँ तबला आपने बजाया? हमने तो यही ये सुबह बनारस में बजाया है, और फिर उसके बाद हमने गंगा महोत्सव में बजा चुके हैं, और फिर उसके बाद बनारस के बाहर भी तो गए होंगे। बनारस के बाहर करीब ये आपका, अच्छा ये सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि शास्त्रीय गायन में फाइनेंशियल दिक्कत बहुत होती है, आर्थिक की समस्या का कितना सामना करना पड़ता है आप लोगों को? सर बहुत, उस समय बहुत समय देना पड़ता है। करीब आर्थिक समस्या कितनी होती है? इकोनॉमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये पूछ रहा हूँ। आर्थिक समस्या तो बहुत, पैसों की, हाँ पैसे की तो वो देना ही पड़ती है ज़्यादातर। हाँ, तो समस्या होती है कि नहीं, फेस आप फेस तो करना पड़ता होगा। जी जी बिल्कुल, आजकल मैं तो ये कहूँगा कि जैसे तुलसीदास जी का भजन हो गया और मीराबाई का भजन हो गया, सूरदास जी का भजन हो गया, इसको गाने के लिए कलेजा चाहिए और गुरु से पारंपरिक अपना शास्त्रीय पद्धति सीखेंगे तभी वो चीज़ें गा पाएंगे आप। और आज जितनी मल्टीमीडिया है, छोटी सी छोटी चीज़ें एकदम बहुत इजीली मतलब एडवर्टाइजमेंट करके कूड़ा कचरा की तरह गा बजा दे रहे हैं, सब चला जा रहा है आज, वो सबके कानों में जा रहा है। और जो ओरिजिनल चीज़ है, पद्धति, उसको सीखने के लिए आपको तप तपस्या करने की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रचार प्रसार प्रसार थोड़ी कोई करेगा। आजकल बहुत सस्ती है सब कुछ, तो गा लेंगे आज के बाद दो के बाद तीन, चार के बाद चार। आज हमारी जो शास्त्रीय संगीत, आज 600-700 साल पहले की बंदिशें हैं, आज भी वही हमारे बच्चे क्यों गा रहे हैं? कुछ तो बात है, कुछ तो प्राण है, कुछ तो ईश्वरी तत्व है, गुरु तत्व है, जो आज के हमारे बच्चे वो सीख रहे हैं, जो हम लोग भी गा रहे हैं। जो पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज जी महाराज जो हमारे महारथी थे, वो तब के भी गा रहे थे, आज भी हम लोग उन्हीं को फॉलो करते, हम लोग गाते हैं और ये चलेगा, रहेगा ये। हाँ, ये होता है कि आप शिक्षा पद्धति पर आप कितना देते हैं। एक अंतिम सवाल आदिश्री से लेंगे, बस आखिरी सवाल लेंगे कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो शास्त्रीय, आपके जो दोस्त हैं? मेरे दोस्त में तो शास्त्रीय गायन में तो नहीं, पर आजकल लोग पॉप म्यूज़िक में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो मेरे दोस्त हुए हैं या जिनसे मैं मिली हूँ अपने स्कूल में, उसमें तो कोई भी नहीं है। चलिए, आप एक बड़ा नाम जब बन जाएंगे तो वो आपसे इंस्पायर्ड होंगे। ऑफकोर्स मैं बनना चाहती हूँ और सबको मैंने जैसे सबसे इंस्पिरेशन ली है, मैं भी उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ, और एक बार मैं मोदी जी और योगी जी से ज़रूर मिलना चाहती हूँ। ज़रूर आपका ये सपना पूरा होगा। 15 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, मैं रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से उन तक ये बात जरूर पहुँचाऊँगी।